हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स 19th सेंचुरी के पूरा रिवीजन हम करते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट से शुरुआत करते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट, बंगाल यानी कैलकटा, बहुत बड़ा प्लेस है कैलकटा, तो कैलकटा में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा। ठीक है, फाउंडर इसके आप ध्यान रखना हेनरी विवियन डिरोजियो थे। ठीक है, केवल यही एक फॉरनर हैं जो कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में आते हैं, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आप जानते हैं कैलकटा, इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद यानी मोनोथियज्म यानी एक ईश्वर की उपासना की पर बल दिया, और इसके साथ ही साथ आइडियल वर्शिप को मना किया जो मूर्ति पूजा है, और प्रेस की लिबर्टी के लिए काम किया। ठीक है, ये तीन पॉइंट हैं इसमें इम्पॉर्टेंट ब्रह्म समाज में। सबसे पहला मोनोथियज्म, एकेश्वरवाद और आइडियल वर्शिप को इन्होंने डिनाई किया। ठीक है, और लिबर्टी ऑफ प्रेस। उसके बाद आप ध्यान रखना राहुल गांधी पारसी हैं, यानी रहनुमाई मूवमेंट है ये। ठीक है, तो रहनुमाई मूवमेंट राहुल गांधी पारसी हैं, तो ये पारसियों ने स्थापित किया और पारसियों की महिलाओं के लिए उत्थान के लिए ये था। ठीक है, वुमेन इमेंसिफिकेशन के लिए पक्का ध्यान रखना आप। ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन कैसे फैले, एजुकेशन और वो सब आप जानते हैं, अच्छे अच्छे काम होते हैं मूवमेंट में, और लेकिन यहाँ पे वुमेन के लिए बहुत ध्यान रखना, और राहुल गांधी रहनुमाई के नाम से आप ध्यान रखना। अब इसके फाउंडर जितने हैं वो सब पारसी हैं, दादा भाई नरोजी, ठीक है, जे बी वाचा, तो ये जितने भी अगर नाम आते हैं एग्ज़ाम में तो पारसी वाले नाम आएंगे इसमें। ठीक है, वेद समाज ये साउथ में मेड्रास में था। अब वेद समाज में था क्या कि सोसाइटी में जो कास्ट के जो डिस्टिंक्शंस थे उनको समाप्त करने के लिए वेद समाज। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। राधा स्वामी मूवमेंट, राधा कृष्ण कहाँ है, मथुरा आगरा में, तो ये आगरा में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं याद रखना है। प्रार्थना समाज ये महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, प्रार्थना समाज में क्या हुआ, प्रार्थना समाज में ये हुआ कि जो और रिलीजन के जो घर वापसी वाला ध्यान रखना आप, कि जो दूसरे रिलीजन में चले गए उनको फिर से हिंदुज़्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, ये प्रार्थना समाज हो गया। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1875 में तीन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आए, आर्य समाज बॉम्बे में, अलीगढ़ मूवमेंट अलीगढ़ में, और थियोफिजिकल सोसाइटी यूएसए में। ये तीनों एक साथ आए थे। अलीगढ़ मूवमेंट का आप नाम जानते हो, सैयद अहमद खां, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और थियोफिजिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट और मैडम बेलेत्वत्स्की, BALAVATSKI। ठीक है, तो ये थियोफिजिकल सोसाइटी के ये सब वो थे जो फाउंडर थे दो, कर्नल ऑलकॉट काफ़ी फेमस हैं। तो थियोफिजिकल सोसाइटी तो आप जानते हैं कि सर्वधर्म संभाव। अलीगढ़ मूवमेंट में ये है कि और आर्य समाज में दोनों में एक सी चीज़ें हैं, वुमेन का एजुकेशन होना चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, ईजी डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आर्य समाज में क्या है, ये सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, सब लगभग लगभग सेम है, आर्य समाज का और अलीगढ़ मूवमेंट का, वुमेन का और चाइल्ड का एम्पावरमेंट है और पॉलीगैमी को ख़त्म करना है। ठीक है, ये है इसमें आर्य समाज में और अलीगढ़ मूवमेंट में। केवल प्रार्थना समाज एक ऐसा समाज था जिसमें जाति जो है वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हिंदुओं में वापस बुलाना है। ठीक है, और वेद समाज में जो है वो जाति को ख़त्म करना है, बाकी में इतना नहीं है जाति और धर्म से संबंधित मामला। ठीक है, रामकृष्ण मिशन वेल्लोर मठ नाम से ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप जानते ही हैं सर्वधर्म संभाव की बात करी। अहमदिया मूवमेंट हुआ था ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद का, तो ये भी जो था वो सर्वधर्म संभाव, इसमें आप इतना ध्यान रखना। कपिल देव का नाम सुना होगा आपने, कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तो केशव चंद्र सेन के नाम से आप ध्यान रखना, कपिल देव और इंडियन टीम के कैप्टन, यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया। अब आप ध्यान रखना कि कपिल देव ने कहा कि वुमेन क्रिकेट टीम होनी चाहिए और चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, यानी चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करो और वुमेन के स्टेटस को बढ़ाओ। अब केशव चंद्र सेन के नाम से आप ध्यान नहीं रख पाओगे, बट कपिल देव के नाम से आपको याद रहेगा और इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से आपको याद रहेगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जैसा नाम वैसा काम, ये डेक्कन दक्कन पुणे में स्टार्ट होता है तो पुणे में हो गया, ये सोशल रिफॉर्म करेंगे और कुछ नहीं करेंगे एजुकेशन। ठीक है, लड़की को अकेला मत छोड़ो। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका जो है वो वुमेन से संबंधित है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। तो ये लड़की का मैंने जो नाम लिया उसमें ये लखित वाडी जो है मूवमेंट था,
लखहिट वाड़ी, LAKHITWADI, ठीक है। तो लखहिट वाड़ी तो याद नहीं रहेगा, बट लड़की याद रहेगा। इसी तरीके से स्वामी नारायण सेक्ट है ये। सेक्ट मैंने आपको बताया था, सेक्ट होता क्या है। सेक्ट का मतलब होता है कि आपको उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको सेक्ट बोलते हैं। तो सेक्ट में जैसे आर्य समाज हो गया, वो भी सेक्ट था, ऐसी स्वामी नारायण सेक्ट है ये। गुजरात में है, स्वामी सहजानंद इसके फाउंडर हैं, याद रखना। और इन्होंने कहा था वेजिटेरियन अपनाओ और प्योर और सिंपल लाइफ जियो और मोनोथीज्म यानी एकेश्वरवाद को फॉलो करो, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म, ये क्या है? एस से सोसाइटी और एस से सविता भाभी। तो सविता भाभी के नाम से आपको याद रहेगा कि लड़की से संबंधित है, केवल और केवल। तो सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म, अब इसमें क्या है? इसमें विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन और जो हमारी देवदासी होती थी उसका इन्होंने विरोध किया, अपोज्ड हायरिंग डांसिंग गर्ल्स, ठीक है। अब ये सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म ये साउथ में था, मैड्रास में, क्योंकि साउथ में ये देवदासी प्रथा ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म सविता भाभी के नाम से आपको याद रहेगा, मैड्रास में, ठीक है। नेक्स्ट, महाकाली पाठशाला, पाठशाला में क्या होगा? पढ़ाई होगी। महाकाली, काली की पूजा कहाँ होती है? कलकत्ता में, तो ये कलकत्ता में बना, ठीक है। इसी तरीके से भारत धर्म महामंडल, महामंडलेश्वर कहाँ होते हैं? ये साधु संतों में होते हैं। साधु संतों के लिए कौन सी जगह फेमस है नॉर्थ इंडिया में? हरिद्वार, तो ये हरिद्वार हो गया, हिंदुइज्म से संबंधित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तत्वबोधिनी सभा, तत्व का बोध कराएगी आपको, ज्ञान कराएगी। तो इसके लिए, तत्व का ज्ञान कराने के लिए आपको DNA टेस्ट कराना पड़ेगा, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी। तो DNA करा दो इसका और पता चल जाएगा आपको क्या तत्व है। इसी तरीके से सेवा सदन, सविता भाभी के नाम से आप इसको भी याद रखें। एक तो सोशल का था, सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म, और एक ये सेवा सदन, वो मैड्रास में था सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म। ये सविता भाभी हैं बॉम्बे में, इनकी फिल्म बन रही है, वीडियो बन रही है बॉम्बे में सेवा सदन में। तो ये भी महिलाओं से संबंधित वेलफेयर, और ये पूरा महिलाओं से संबंधित था इसमें, ठीक है। एक आप ध्यान रखना, NDA कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये बॉम्बे के पास पुणे में है। लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के नाम से आप ध्यान रखना, ये भी जो है वुमेन से संबंधित था, चूँकि इसमें सोशल आ गया, सोशल जहाँ आ जाए वहाँ सविता भाभी के नाम से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहे वो सेवा सदन हो, वो वुमेन के लिए, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वो वुमेन के लिए, सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म वो वुमेन के लिए। तो इस तरीके से 21 ये टोटल सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। यही आपको ध्यान रखने हैं, इसको एक बार और रिवाइज़ कर लेना और रिवाइज़ करते चले जाना। ऐसे ही लेसन्स मैं आपके सामने और लाता रहूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।